दोस्तों, अमेठी के आरिफ की कहानी तो आपने कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, वही आरिफ जिन्हें सारस घायल अवस्था में मिला था, उन्होंने उसका इलाज किया और सोचा कि ठीक होने के बाद वह उड़ जाएगा, लेकिन वह जंगली पक्षी उनके साथ रहने लगा। वह अपनी थाली में सारस को खाना खिलाते थे। गांव और प्रदेश में बात फैलने लगी। जल्द ही मीडिया में उनकी तस्वीरें आने लगी और वन विभाग ने मुकदमा दर्ज करा दिया। दोस्तों, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सारस की जान बचाने वाले पर FIR का विरोध किया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि मोदी जी तो घर में मोर पालते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। फिलहाल दोस्तों, सारस कानपुर चिड़िया घर में है। उसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक सवाल आपके भी जेहन में आता होगा कि क्या सारस से दोस्ती की जा सकती है? सारस आखिर होते कैसे हैं? तो दोस्तों, आइए जानते हैं सारस के बारे में। दोस्तों, भारत में कुछ जानवरों को पालने पर पाबंदी है। यही वजह है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यह कानून जानवरों पर अत्याचार रोकने के लिए बना था। उन्हें 4 अप्रैल को वन विभाग ने तलब किया है। आइए जानते हैं इस सारस पक्षी के बारे में। दोस्तों, लंबी टांगों वाला यह विशाल पक्षी देखने में किसी को भी मोहित कर सकता है। चोंच के पीछे रंगीन गर्दन हो या पंख फैलाए विशाल शरीर या जल्दी पहचाना जा सकता है। दोस्तों, सारस का वजन 9 से 10 किलोग्राम तक हो सकता है। ये अक्सर जोड़े या छोटे झुंड में देखे जाते हैं। ये भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये दलदली इलाकों, घास के मैदानों और खेतों में मिलते हैं। दोस्तों, तालाब या झील के आसपास का इलाका इन्हें पसंद होता है। आरिफ के साथ सारस को देख लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक पक्षी इंसान से इतनी गहरी दोस्ती कैसे कर सकता है। दरअसल दोस्तों, यह पक्षी स्वभाव से बहुत भावुक होता है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा पक्षी भावनाओं को महसूस कर सकता है। ये इंसान की ऊंचाई के बराबर 6 फीट के भी हो सकते हैं। कम लोगों को पता होगा कि सारस जमीन पर घोंसला भी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारस जमीन पर घोंसला बनाते हैं। सारस को अपने देश के कई इलाकों में पूजा जाता है। इन्हें प्रेम का प्रतीक भी समझा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्रेम कहानी दिलचस्प है। दरअसल दोस्तों, सारस का बच्चा जब साल भर का हो जाता है तो माता पिता उसे छोड़ देते हैं। वह सारसों के झुंड में चला जाता है। पंख फैलाकर घूमना और आवाज निकालना इनकी आदत होती है। दोस्तों, मादा सारस को नर रिझाता है। ये बेवफाई नहीं करते। एक बार जोड़ा बन जाए यानी मादा राजी हो जाए तो ये जीवन भर उसी के साथ रहते हैं और यही वजह है कि सारस अक्सर जोड़े में देखे जाते हैं। ये झुंड से अलग हो जाते हैं और अपना आशियाना बनाते हैं। मादा के अंडों से बच्चे 1 महीने में बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, गोंड जनजाति के लोग सारस को पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि सारस अपने जीवन में एक बार ही प्रेम करते हैं, या कहिए जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा टूटता है तो दूसरा जीवन भर अकेला ही रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, अकेला ही रह जाता है। तो दोस्तों, सारस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।